फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। सुबह के कितने बजे भाई, मोबाइल में बताना कितने बजे। सुबह में बजे है 4:00। पार्टी अभी बाकी है। चार बज के 5 मिनट हो चुकी है एंड फ्रेंड्स, आज का टारगेट है 4:30 बजे का निकलने का। आप पीछे देख रहे हो लाइक ये कौन, रौनक एंड जेविन अभी सोए हुए थे एंड वॉशरूम में अभी हमारे प्रवीण भाई गए हैं, ये हमारा बाजू में धर्मेंद्र अभी सोया हुआ है। तो फ्रेंड्स, टारगेट है 4:30 बजे निकलने का। मैं रेडी हो चुका हूँ, जिगर भी ऑलमोस्ट रेडी है, देखते हैं कितने बजे निकल पाते हैं हम लोग। जय वीन उबदा, चल चलते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग उबदा। रोनका, ए रौनक, चल 4:30 थिया। ये उबो था आवा तू ही। वो तो तैयार अच्छो। तो फ्रेंड्स, निकलने का टाइम था 4:30 बजे का, बट अभी बज रहा है 4:44। 15 मिनट लेट है, बट चाय नाश्ता करके हम लोग सीधा छड़न के लिए निकल जाएंगे। बीच का रास्ता बहुत मस्त है, बट अंधेरे के वजह से हम दिखा नहीं पाएंगे, बट वो आपको मिल जाएगा वो बीच के रास्ते का पूरा टाइम, क्योंकि अभी हम बहुत थके हुए, हम सो ही जाएंगे। तो चलो मिलते हैं फ्रेंड्स 4:30। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम 4:30 जा रहे हैं, तो जान लेते हैं थोड़ा बहुत 4:30 के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टे है नखत्राणा एंड नखत्राणा से 4:30 कंजर्वेशन रिजर्व नखत्राणा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है एंड आपको नानी बिरानी विलेज से आगे एक टर्न लेना है एंड फिर वहाँ से आपको सीधा स्ट्रेट ही जाना है एंड आपको आगे फुलाई विलेज मिलेगा एंड वहाँ पे पक्का रोड ख़त्म हो जाता है एंड वहाँ से कच्चा रोड स्टार्ट होता है। कच्चा रोड मीन्स आपको डेजर्ट मिलेगा एंड आगे का ट्रैवल डेजर्ट में ही अपनी गाड़ी से करना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, आपको मैं एक एडवाइस देता हूँ, अगर आपको 4:30 पे आए हुए वॉच टावर पे जाना है तो फ्रेंड्स ऑलवेज राइट टर्न ले लेना। आपको जहाँ पर भी टर्न दिखाई देते हैं वहाँ पर आपको राइट टर्न लेना है, तो आप 4:30 में आए हुए वॉच टावर पे पहुँच जाओगे। हालांकि फ्रेंड्स, मैंने बोला कि आप राइट टर्न लोगे तो आप 4:30 कंजर्वेशन रिजर्व पहुँच जाओगे, बट फ्रेंड्स यही राइट टर्न लेते लेते आपकी नज़र लेफ्ट साइड पे भी जाएगी तो आपको एक हिल जैसा दिखेगा एंड डोंट वरी फ्रेंड्स, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं एंड वो हिल का नाम है किरोडुंगर। तो उसके लिए आपको हमारा दूसरा व्लॉग मीन्स नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, फाइनली हम लोग ये 4:30 कंजर्व रिजर्व पे पहुंच चुके हैं। बट फ्रेंड्स, इस टाइम ओवरऑल गुजरात में बारिश थोड़ी कम हुई है, तो उसकी वजह से जो आप पीछे देख रहे हो पूरा पैच, वहाँ पे जनरली अगर बारिश होती है तो वहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ होता है
बट अभी पानी नहीं है। ये अभी हम छारीदंड में आए हुए वॉच टावर पे खड़े हैं, तो वहां से व्यू तो बहुत अच्छा है बट पानी नहीं है, तो थोड़ा सा लाइक वाटर स्कैसिटी तो है यहाँ पे। तो यहाँ की जो बर्ड स्पीसीज एंड जो भी बोलते हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर चुकी है। तो फ्रेंड्स यही है छारीदंड, आपको टाइम लैप्स एंड वो सब कुछ देखने को तो मिलेगा ही, बट यही है एक व्यू फ्रॉम नेचुरल व्यू फ्रॉम दिस वॉच टावर।